फटाफट बचाओ। नेक्स्ट टॉपिक में अपन चल रहे हैं, देखो अपना रिटर्न चैप्टर हो गया सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसके बाद अपने क्या पढ़ा था, अपन अपना रिटर्न भर देंगे। रिटर्न भरने के बाद जो है अपना रिटर्न किसके पास जाएगा, असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर जो आपका रिटर्न चेक करता है, उसके तरीके क्या थे, चार, जो अपन इससे पहले से पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो चार तरीकों के नाम आपके सामने। इसका सेक्शन था समरी, स्क्रूटनी, बेस एंड इनकम एस्केप। इसका सेक्शन था 143(1), इसका था 143(3), इसका था 144 और इसका कौन सा 147, याद आ रहा है आपको? ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अपन ने पढ़ा है ऑफिसर चार तरीकों से आपका रिटर्न चेक करेगा, और अगर उस रिटर्न में गलती हो जाए तो उसे रेक्टिफिकेशन का भी मौका दिया जाता है। अब वो चार तरीकों में मैंने आपको बोला था, अगर आपके रिटर्न में छोटी छोटी अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है, तो उस केस के अंदर जो मोस्टली यही होता है उसको कौन सा असेसमेंट बोलता है, समरी। मैं होप करता हूं आप लोगों को याद होगा, नहीं तो आप फिर वापस वो वीडियो रेफर करना जहां आपको मैंने स्कूल का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि समरी असेसमेंट मतलब जहां छोटी छोटी अरिथमेटिकल मिस्टेक्स वगैरह चेक करके आपके रिटर्न को ओके कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज समरी असेसमेंट। नेक्स्ट, जहां डिटेल चेकिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, अगर आपके एग्जाम में आता है असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू डिटेल चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उस केस में वो क्या चाहता है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी उसका एक पावर है, वो जब चाहे जिसकी चाहे डिटेल में चेकिंग कर सकता है। ठीक है, तो जब डिटेल चेकिंग होगी तो क्या होगी, स्क्रूटनी। नेक्स्ट होता है बैच जजमेंट, कब होता है, क्या पढ़ा था, अगर आपने अपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑडिट करानी है, ऑडिट नहीं कराई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर ने मांगे, आपने उससे सबमिट नहीं किए, तो अगर आप ऑफिसर के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, ऑफिसर के पास वो डेटा नहीं होगा जिसकी बेसिस पर आपकी वो इनकम डिटरमाइन कर सके, तो वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट, इसमें वो अपनी बेस्ट नॉलेज यूज करके आपकी इनकम निकालेगा। ये अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब उसको अपनी बेस्ट नॉलेज यूज करनी है तो मान के चलना आपकी इनकम कम नहीं ज्यादा ही निकालने वाला है वो। और लास्ट, चोरी पकड़ी गई, यार पढ़ा था स्कूल के अंदर कि भाई आप नेक्स्ट जो पहले बच्चा था उसकी भी वही गलती थी जो आपकी थी, तो उस केस में कौन सा असेसमेंट होता है, एस्केप असेसमेंट। तो ये चार अपन ने पढ़े थे, उस वक्त केवल इसका मीनिंग पढ़ा था। अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में मतलब क्या, इन असेसमेंट से पहले आपको बताया जाता है कि समरी होने वाली है, स्क्रूटनी होने वाली है या बेस्ट जजमेंट होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये एग्जाम में आता है, क्या समरी की, स्क्रूटनी की आपको प्रायर इंटीमेशन दी जाती है क्या कि हम आपके खिलाफ समरी करने जा रहे हैं या स्क्रूटनी करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर टू, चलो समरी कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो, राइट है आपका, कर सकते हो, लेकिन नोटिस के बाद, देखो इंटीमेशन करना मतलब नोटिस देना, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन ये देखेंगे क्या असेसमेंट से पहले अपन को नोटिस दिया जाएगा क्या। पॉइंट नंबर टू, चलो नोटिस अगर यस है, देना दिया जाएगा, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले प्रीवियस ईयर 10-11 का नोटिस अब आ रहा है, प्रीवियस ईयर 15-16 का रिटर्न नोटिस अब आ रहा है, गवर्नमेंट कहती नहीं। ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि अगर आपको आपको किसी के खिलाफ समरी या स्क्रूटनी करनी है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना उसको नोटिस टाइम रहते दे देना कि हम आपका इस प्रीवियस ईयर का ये समरी या स्क्रूटनी करेंगे, और अगर नोटिस टाइम बार्ड हो गया, लेट बताया, तो उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है माना उसने चोरी की होगी, माना उसने रिटर्न नहीं भरा होगा, माना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दी होगी, तो जो करना है उसके खिलाफ करो, लेकिन टाइम से करो, नोटिस दे दो टाइम से दे दो, लेट दे दोगे फिर मतलब नहीं। फिर अगला, नोटिस दे दिया कि हम आपके आपके खिलाफ स्क्रूटनी करने जा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आप रोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाते हो, कभी कुछ मंगवाता है फिर उसे लेके जाते हो, और आपको परेशान किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाल रखा है कि नोटिस का मतलब ये नहीं है कि अब ये बेचारा फंस गया। गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी के सामने समरी, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना जो भी असेसमेंट कर रहे हो पहले तो नोटिस टाइम से दो, और नोटिस देने के बाद उसे चक्कर मत कटाओ, जो भी फाइनल करना है विद इन टाइम उसका ऑर्डर पास कर दो,
उसको बता दो 6 महीने साल भर दिया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, ऑफिसर्स को बोला जाता है नोटिस दे दिया, फटाफट कार्रवाई करके उसका इनकम निकाल दो, टाइम वेस्ट मत कर। तो अपन को क्या क्या पढ़ना है बच्चों, वापस बोल रहा हूं, इन 4 असेसमेंट क्या मतलब होता है ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं और उस वीडियो में भी बता चुका हूं कि स्क्रूटनी बेस्ट जजमेंट मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि नोटिस आएगा या नहीं आएगा, नोटिस आएगा तो कब तक आएगा और नोटिस आने के बाद फाइनलाइज कब तक हो जाएगा। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है नोटिस। नोटिस के अंदर सबसे पहले समरी में देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, समरी मतलब वापस क्या होता है, जहां छोटी मोटी गलतियां ऊपर ऊपर से चेकिंग, बताया था ना कि जहां स्कूल में टीचर ऊपर ऊपर से चेकिंग करता है उसको क्या बोलता है, समरी। तो जब टीचर ऊपर ऊपर से चेकिंग कर रहा है और आपको बताएगा क्या ऑफिसर कि मैंने तुम्हारी ये छोटी सी गलती पकड़ ली, ये 2 रुपए का 3 रुपए हुआ था और तुम्हें बुलाएगा, नहीं। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है उसको सुधारना है तो खुद ही सुधार लेगा और उसमें कौन सा असेसमेंट कर देगा, समरी, उसमें आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। तो एक तरह से मैं तो कहता हूं आप अपने समरी असेसमेंट के लिए प्रिपेयर्ड रहो, आपकी जो गलती है वो अपने आप को सुधार के आपको बिना नोटिस के आपका असेसमेंट पास कर देगा। तो क्या रखना है, समरी में कोई नोटिस नहीं आता क्योंकि छोटी मोटी अरिथमेटिकल मिस्टेक्स के लिए गवर्नमेंट कहती है नोटिस दो फिर बुलाओ, इसके लिए झंझट नहीं पाला जाएगा। नेक्स्ट स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जहां डिटेल चेकिंग होगी। डिटेल कब होगी, डिटेल तो घर में पड़ी है, आपके मेन ऑफिस में पड़ी है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तो वहां है। तो वो कब होगी डिटेल चेकिंग, जब आपके पास नोटिस आएगा, आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का थैला भर के या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लेके जो भी है वो लेकर आप ऑफिस में जाओ। तो कब जाओगे ये सारा सामान लेकर, जब क्या आएगा, नोटिस। अब नोटिस आया 3 साल पहले का, वो बैठेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि एग्जाम में आपके ही आता है लास्ट डेट ऑफ नोटिस बताओ। तो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आएगा, बिना नोटिस के कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके नहीं भागने हैं कहीं पे, लेकिन कब तक, 6 months from end of financial year in which return filed। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों समझो आप लोग, प्रीवियस ईयर 18-19 का रिटर्न, मान लो एग्जाम आता 18-19 का रिटर्न आपने 1 फरवरी 2020 को भरा, आपके एग्जाम में आया, बताओ लास्ट डेट ऑफ नोटिस इन केस ऑफ स्क्रूटनी, तो आपका क्या है 6 महीने, कहां से, उस साल से जिस साल रिटर्न भरा। रिटर्न कौन से साल भरा, ये कौन सा साल है, 19-20 में 6 महीने जोड़ दो, तो 6 महीने जोड़ो, 31 मार्च 20 में 6 महीने जोड़े तो 30 सितंबर 2020। इसके बाद अगर नोटिस आता है तो उसकी वैलिडिटी खत्म। तो स्क्रूटनी का नोटिस किस साल तक आता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने उसमें से जोड़ने हैं जिस साल आपने रिटर्न भरा था। ये पॉइंट आप रट के जाओगे, ठीक है, क्लियर। जिस साल रिटर्न भरोगे उस साल के एंड से 6 months के बाद तब आपके पास स्क्रूटनी का रिटर्न नोटिस आ सकता है, उसके बाद में स्क्रूटनी नहीं हो सकती, क्लियर। नेक्स्ट बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने कोई कोऑपरेट नहीं किया, जब आपने कोऑपरेट नहीं किया तो हमारा भी ऑफिसर उतना ही कोऑपरेट करेगा जितना आप करते हो, समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या, बैच जजमेंट में नोटिस आएगा लेकिन कब, ऑर्डर पास करने से पहले पहले, जिस दिन भी ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होगा उससे 1 दिन पहले भी नोटिस निकाल देगा कि आपने कोऑपरेट नहीं किया इसलिए मैं आपका बैच जजमेंट कर रहा हूं, बस बात खत्म। उसमें जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे तो स्क्रूटनी की तरफ बुलाने का क्या फायदा, समझ में आया। स्क्रूटनी मतलब आप कोऑपरेट कर रहे हो, आपसे नोटिस मांगा, आप नोटिस के बेस पे हाथों हाथ आ भी गए तो कोऑपरेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी करती है। बेस्ट जजमेंट कब होता ही कब है, जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट कहती है नोटिस आ जाएगा, किसी भी दिन आ जाएगा, जब भी ऑर्डर पास करना होगा उससे 1 दिन पहले निकाल देगा, समझ में आया। क्योंकि बोलने का मौका देने से मतलब तो है नहीं, आप कोऑपरेट करते नहीं हो, क्लियर हुआ, ठीक है। अब कोई पूछे सर टाइम पीरियड क्या होगा इसका, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ऑर्डर की डेट, पहले ऑर्डर की डेट अपन पढ़ेंगे, उससे 1 दिन पहले तक नोटिस आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये इनकम एस्केप। चोरी पकड़ी गई तो उस केस में क्या, अब अगर चोरी पकड़ी गई तो गवर्नमेंट कहती है
गवर्नमेंट कहती है अपने ऑफिसर्स को, आपके पास हम अच्छा टाइम पीरियड देंगे उसकी चोरी पकड़ने का, क्योंकि चोरी अगर की है तो सोच समझ के अच्छे तरीके से की होगी, सिर्फ 6 महीने दे दे तो कम है। तो अब क्या कहती है गवर्नमेंट इनकम एस्केप असेसमेंट में, सुनिएगा नोटिस का टाइम पीरियड क्या है। अगर इनकम सपोज करो आपने इनकम दिखाई 560,000, एक एग्जांपल क्वेश्चन बता रहा हूं, मिस्टर एक्स डिक्लेयर हिज इनकम 560,000, बट बाद में जब चेकिंग के दौरान पता चली इनकम तो 620,000 है, और वो 60,000 रुपए कम क्यों बताई, क्योंकि फर्जी खर्चा दिखा रखा था, एक बिल लगा रखा था 60,000 रुपए का जो कि फर्जी निकला। फर्जी मतलब आपने इनकम छुपाई कितने हजार रुपए से, 60,000 लाख रुपए से कम है। तो आपके पास नोटिस कितने सालों तक आ सकता है, 4 years। जिस साल आपका असेसमेंट ईयर जो है, असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, जैसे 19-20 का असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, 2021। तो इस असेसमेंट ईयर में 4 साल जोड़ लीजिए, 4 सालों के अंदर कभी भी आपके पास क्या आ सकता है, नोटिस आ सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नोटिस के लिए टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 4 साल है अगर इनकम 1 लाख से कम हो, क्लियर। तो 4 साल में कभी भी आपके पास नोटिस आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 6 साल का, जब एस्केप इनकम 1 लाख से ज्यादा हो, आपने दिखाई इनकम 7 लाख निकली, 2 लाख का फर्जी खर्चा था, या 2 लाख रुपए इनकम आई लेकिन आपने जानबूझ के शो नहीं करी, तो गवर्नमेंट कहती है असेसमेंट ईयर से 6 साल है हमारे ऑफिसर के पास, 31 मार्च 2000 मान लो 21 है असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट, तो उसमें 6 साल के बाद तक आपके पास क्या आ सकता है, नोटिस, क्लियर, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड ज्यादा क्यों है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि चोरी में टाइम ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, अगर पता चला, जैसे वो सर का हमारा एग्जांपल लिया था, अभी ये नोटिस आया जबकि एसेट दुबई में तो कभी खरीद रखी थी, तो उस केस में अगर किसी की एसेट पता चली फॉरेन में है जो उसने छुपा रखी थी, बताई नहीं कि मैंने फॉरेन में ये एसेट ले रखी है, तो उस केस में उसके पास नोटिस 16 सालों में भी कभी भी आ सकता है। 15 साल पहले एक एसेट खरीदी थी और वो सोच रहा मैं तो फ्री हुआ, 15 साल 6 साल तो निकल गए, क्योंकि इनकम एक्सीड 1 लाख में 6 साल होता है। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है लेकिन एसेट कहां थी, फॉरेन में, तो फॉरेन में थी, तो उस केस में 16 साल में भी नोटिस आ सकता है। बताओ वो एसेट केस है, समझ में आया। और लास्ट, नो टाइम लिमिट मतलब 30 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। वो नोटिस कब आएगा, ओनली इन केस ऑफ फाइंडिंग एंड डायरेक्शन। अब ये फाइंडिंग एंड डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स की रेट। किसी के यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, घर में निकलते हैं 1 करोड़ रुपए। अब वो 1 करोड़ रुपए उसने बताए कि ये मैंने 15 साल पहले कमाए थे, या 25 साल पहले मेरे दादाजी छोड़ के गए ये सारा गोल्ड, इतना सारा गोल्ड के बिस्किट्स पड़े मिले जो कि 25 साल पुराने। वो बोला 25 साल पुराने बिस्किट है, अब क्या है, 4 निकल गए 16 निकल गए हमारे हुए। गवर्नमेंट ने कहा ये सब कुछ आपकी इनकम टैक्स की रेट में पकड़ा गया है, और रेट के अंदर नो टाइम लिमिट है, मतलब 25 साल पुरानी कोई एसेट पकड़ी गई है जो आपने छुपा रखी थी वो भी पकड़ी गई, तो उसमें भी एस्केप असेसमेंट में नोटिस आ सकता है, और आ सकता क्या आएगा ही अगर ऐसा पकड़े गए तो, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। और डायरेक्शन मतलब क्या होता है, बाय कोर्ट, कोर्ट का कोई फैसला पेंडिंग है और कोर्ट 20 साल बाद ऑर्डर देती है कि उस बंदे की 20 साल पुरानी इनकम पे टैक्स लिया जाए, तो 20 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। तो याद समझ में आ रहा होगा क्या क्या टाइम है, 4, 6, 16 एंड 9। 4 साल अगर इनकम एस्केप इनकम विद इन 1 लाख है, 6 इन केस ऑफ एस्केप इनकम एक्सीड 1 लाख, 16 एसेट बाहर है, और नो टाइम लिमिट का है फाइंडिंग और डायरेक्शन में। तो वापस बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ही है, समरी में नोटिस नहीं आता, स्क्रूटनी में नोटिस, फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न भरा उसके 6 महीने में, बैच जजमेंट कभी भी आ सकता है ऑर्डर से पहले पहले, और एस्केप हो ही गया 4, 6, 16 एंड नो टाइम लिमिट, क्लियर। ये तो टाइम पीरियड था नोटिस का, नोटिस आ गया। अब नोटिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ज्यादा चक्कर नहीं कटाएंगे, विद इन टाइम पीरियड ऑर्डर पास कर देगा ऑफिसर, तेरी इनकम इतनी है, टैक्स इतना है, पेनल्टी इतनी है, भर दो,
क्योंकि गवर्नमेंट कहते परेशान नहीं किया जाएगा किसी को। तो समरी में, समरी के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक के लिए होता है, तो गवर्नमेंट कहती है वन ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर 19-20 का रिटर्न मैंने 20-21 में भरा, तो 20-21 की लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2021, इसमें एक साल जोड़ दो तो 31 मार्च 2022। सिंपल सी बात है, अगर कल आपके एग्जाम में आए कि प्रीवियस ईयर 19-20 का समरी असेसमेंट की लास्ट डेट क्या होती है, तो लास्ट डेट क्या होगी, रिटर्न फाइल कब करते हैं उसका, लेट से लेट कब फाइल करोगे, 31 मार्च 21 तक, इससे लेट तो होगा भी नहीं, तो इसमें 12 में एक साल और छोड़ लो, 31 मार्च 2022 तक समरी असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी में भी देखो सेम है, 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्लियर। अब सुनो इसका मतलब क्या है, ढंग से समझना। स्क्रूटनी में मैं आपको समझा दूं, अगर आपके एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर 19-20 के नोटिस की लास्ट डेट बताओ और ऑर्डर की लास्ट डेट बताओ, ये एग्जाम में आई आपके, तो नोटिस की लास्ट डेट प्रीवियस ईयर 19-20 का असेसमेंट ईयर 20-21 के अंदर रिटर्न उसी टाइम में फाइल होगा, 6 महीने जोड़ लो, तो 30 मार्च 2021 यहां तक तो क्या आ सकता है, नोटिस। और ऑर्डर कब तक पास होगा, ऑब्वियस से बात है इसकी डेट के बाद ही होगा। ऑर्डर की डेट क्या है, 12 महीने फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 20-21 में 12 महीने और छोड़ लो, 31 मार्च 2022। ये स्क्रूटनी के नोटिस की लास्ट डेट होगी और ये ऑर्डर की जो कि फिक्स है, इसके बाद नोटिस नहीं पास होगा और इसके बाद ऑर्डर नहीं पास होगा। क्लियर। ठीक है, क्योंकि स्क्रूटनी मतलब चोरी नहीं होता बच्चों, आपकी जस्ट अकाउंट्स चेकिंग है, तो अकाउंट्स चेक करनी है तो कर दो ना, इतना टाइम पीरियड बहुत है, अकाउंट चेक करके फाइनल कर दो जो भी है, यस नो जो भी है। क्लियर। नेक्स्ट, बैच जजमेंट। बैच जजमेंट में भी देखो सेम, माना वो आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा, तो जब आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा तो फिर इस सिंपल सी इनकम आप ही को निकालनी है, जब इनकम आप ही को निकालनी है तो डेटा कलेक्ट उससे तो करने की जरूरत ही नहीं है, बता दो जो भी इसकी इनकम है, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड वही है, वही मतलब 31 मार्च 2022। तो कल अगर आपके एग्जाम में आए बैच जजमेंट की नोटिस की और ऑर्डर की डेट बताओ, तो ऑर्डर की तो यही हो गई और नोटिस की क्या होगी, 31 मार्च 2022 से पहले पहले, अगर ऑर्डर उससे पहले ही हो गया तो उससे एक दिन पहले, नहीं तो एक तरह से इससे एक दिन पहले पहले नोटिस आ जाएगा और ये लास्ट डेट है किसकी, ऑर्डर पास करने की। क्लियर। ठीक है, और एस्केप में, एस्केप में बच्चों रट के मत जाना कि सर सब में 12-12 महीने है तो हम सब में रट के चले जाते हैं 12 महीने फ्रॉम असेसमेंट ईयर। बच्चों आप कॉमन सेंस लगाओ, 12 महीने एस्केप असेसमेंट में फ्रॉम असेसमेंट ईयर कैसे हो सकता है, क्योंकि 12 साल 16 साल बाद 20 साल बाद तो नोटिस आ रहा है और असेसमेंट ईयर के 12 महीने में कैसे आएगा, तो मेरी बात सुनो, क्या याद रखना है, ये 12 महीने है जिस साल नोटिस मिला, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इनकम 50,000 छुपाई गई, 50,000 छुपाई गई कौन से साल की, प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम 50,000 छुपाई गई, सब ध्यान से देखो, 19-20 की इनकम 50,000 छुपाई गई, तो नोटिस का टाइम कब होगा, नोटिस का होगा 20-21 में, 4 साल जोड़ लो, जोड़ लिए, 31 मार्च 2025 तक क्या आ सकता है, नोटिस, और ये अगर नोटिस इस साल आता है तो ऑर्डर कब पास होगा, मान लो नोटिस 24-25 में दिया गया, क्लियर, 24-25 के अंदर दिया गया, या फिर ये कह दूं 1 मार्च 2025 को दिया गया, तो इस 12 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस सर, ये कौन से साल है, 24-25, इसमें 12 महीने जोड़ो, 31 मार्च 2026 तक आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। अब 25 साल बाद नोटिस आया तो उस 25 साल बाद से एक साल और जोड़ देना, उसमें आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। कहने का मतलब भले ही 12 महीने लिखा हुआ हो लेकिन ये 12 महीने और इनमें फर्क है, इसमें असेसमेंट ईयर में छोड़ते हैं और इसमें जोड़ते हैं जिस साल नोटिस मिला उसके 12 महीने से। क्लियर, समझ में आया, ऑर्डर पास 12 महीने में ही हो जाएगा, लेट नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस 20 साल में भी आ सकता है। और लास्ट,
अब मेरा कहने का मतलब है इन चार केसेस में बच्चों कौन कौन से केस हैं जिसमें अपने फेवर में भी जा सकती है बात, अगेंस्ट में नहीं जाएगी। समरी मिस्टेक देखी जाती है, मिस्टेक से गलती से टैक्स ज्यादा भी दे दिया जाता है तो रिफंड आ सकता है। स्क्रूटनी डिटेल चेकिंग, डिटेल में पता चला ऑफिसर ने कहा पागल लाख रुपए डेबिट करने थे तुमने तो 40,000 ही डेबिट किए, 60,000 में फोकट का टैक्स दे रहा है। आपने कहा गलती हुई सर ध्यान नहीं दिया, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं ले जा रिफंड ले जा। क्लियर? समरी में भी आ सकता है स्क्रूटनी। बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट मतलब ये है आपने कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट भी नहीं करो और रिफंड भी सोचो, ऐसा तो गवर्नमेंट पागल नहीं है। गवर्नमेंट कहती है बेस्ट जजमेंट होता है जब आप कोऑपरेट नहीं करते। एस्केप असेसमेंट कब होता है? जब आपकी चोरी पकड़ी गई, जब कोऑपरेट नहीं किया चोरी पकड़ी गई तो उस केस में रिफंड की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एग्जाम में चार ऑप्शन में एक बार ये आया था समरी स्क्रूटनी रेक्टिफिकेशन और बेस्ट जजमेंट, बताओ किसमें रिफंड नहीं आ सकता? तो बेस्ट जजमेंट लिखना था क्योंकि यहां रिफंड नहीं आएगा। जब कोऑपरेट नहीं करोगे तो रिफंड कैसे आ सकता है? क्लियर? लेकिन स्क्रूटनी और समरी इसमें आप चोर नहीं हो, गलती से ज्यादा दे दिया वापस ले जाओ। क्लियर? और लास्ट मैंने क्या बोला था, अगर ऑफिसर जैसे आपने पढ़ा था ना कई केस में मैम होती है तो मैम से टोटल में गलती होगी, टोटल में गलती होगी तो मैम की गलती प्रिंसिपल को थोड़ी बोलते हैं, सेम मैम को बोलते हैं, है ना। यहां पे भी सेम ऑफिसर को बोला जाएगा कि क्या कर दीजिए रेक्टिफिकेशन। मैंने बार बार बोला है रेक्टिफिकेशन मतलब इन केस ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। आप अपने नोट्स भी देखना जहां देखते ही पता चले अरे ऑफिसर ने टोटल में गलती कर दी, एज मेरी 61 है उन्होंने 59 के हिसाब से असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया, मेरे को सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं दिया, तो ये तो छोटी सी गलती है वही खुद ही सुधार लेगा। तो इन चार असेसमेंट में ये जो ऊपर पड़ा है यही तो असेसमेंट ऑफिसर ने किया है, इन असेसमेंट में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो रेक्टिफिकेशन भी सेम अथॉरिटी करेगी, कोई प्रिंसिपल के पास या कमिश्नर के पास भागने की जरूरत नहीं है, सेम ऑफिसर अपनी गलती को सुधार लेगा और सुधारने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड दे रखा है 4 साल। जिस साल ऑर्डर पास हुआ इनमें से उस साल से 4 साल में कभी भी चले जाना वो ऑफिसर अपनी गलती को सुधार लेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये होगा असेसमेंट रिवीजन, कमिश्नर करता है वो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर करता है वो ये चार असेसमेंट करता है, गलती होने पे क्या करता है रेक्टिफिकेशन। क्लियर? इसे पढ़िए, जो क्वेश्चन है एक दो वो करिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़िए।